Hello everyone! Welcome to my channel. Today we are going to solve exercise of twelfth standard Maharashtra Board History chapter number twelve India Transform Part two. Okay, so come on page number one hundred and eight. We are on page number one hundred and eight. It's our exercise. So now let's start. Question number one a choose the correct alternative and rewrite this statement first in nineteen ninety five the, the health department of Indian government launched the campaign termed as case cancer yes pulse polio B pulse polio. Now, second, the first district in Daesh to become completely literate was Irnakulum, yes. केरला और ये पता ही होना चाहिए बेसिक नॉलेज है क्या है इसका आंसर बी केरला ओके okay? वहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े हुए लोग होते हैं इंडिया पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट सभी पढ़े रहते हैं एक दो कोई ऐसा मिल जाता होगा जो लिटरेट नहीं है ना बी फाइंड द करेक्ट पेयर पैर फ्रॉम द ग्रुप बी एंड राइट द करेक्ट वन सो ये हमारा करेक्ट पैर हमें देखना है इसमें कौन सा रॉन्ग पैर है उसको करेक्ट करना है सो so, हमारा फर्स्ट पैर तो करेक्ट है सेकेंड पैर भी करेक्ट है ये जो थर्ड है एस ई ई एस सी ए पी इसका हमें क्या दिया हुआ इंस्टीट्यूट फॉर कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स ये दिया हुआ था ठीक है लेकिन इसका ये आंसर नहीं है हमें क्या लिखना है देखो सबसे पहले एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है देखो जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाओ इंस्टीट्यूट फॉर कंजर्वेशन ऑफ लोंग बिल्ड वर्ल्चर्स ओके ये टर्टल को कट करके टर्टल्स को कट करके लॉन्ग बिल्ड वर्चर्स लिख लेना है ओके okay? तो बाकी हमारा एक ही पैर हमें करेक्ट करना था नाउ क्वेश्चन नंबर टू राइट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस पर्सन इवेंट्स फर्स्ट कमीशन इस्टेब्लिश वाइल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट एक्ट इसका आंसर क्या है स्पेलिंग देख लो आप लोग तो ही लिखो इसके लिए मैंने पहले से ही लिख के रखा है ठीक है क्योंकि डिटक डिटेक्ट करने में थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाते हैं हाँ सो so इसका आंसर क्या है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ओके फर्स्ट का आंसर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ओके नाउ सेकेंड द प्लेयर वो वॉज अवॉइडेड द हाइएस्ट टाइटल भारत रत्ना इनको तो सब जानते हैं येस सचिन तेंदुलकर ओके ओके ना क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट द कंसेप्ट मैप स्पोर्ट्स अवॉर्ड तो इसका आंसर हमें तो दिया नहीं है टेक्स्टबुक में लेकिन लिखना था ओके okay? लिखना तो है ही तो यहाँ पे देखो मैंने अटैच कर दिया है। सो फर्स्ट कॉलम में लिखना है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सेकंड में लिखना है अर्जुन अवार्ड थर्ड कॉलम में लिखना है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी ओके okay? एंड लास्ट द्रोणाचार्य अवार्ड ठीक है पूरे लाइन से लिखते जाओ पूरे कॉलम से ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर राइट शॉर्ट नोट्स फर्स्ट स्पीड पोस्ट इसका आंसर कहाँ मिलेगा मैंने पहले से लिख के रखा है इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर नाइन्टी टू पे. सो so, हमें फटाफट -फर्ट से पेज नंबर नाइन्टी टू पे आ जाना है एक्चुअली आपको पता है ये हमें लेवेंथ चैप्टर का दिया हुआ है दोनों सेम ही इंडिया ट्रांसफॉर्म पार्ट वन पार्ट टू सो ये जो हमें दिया हुआ है वो है हमारा इंडिया ट्रांसफॉर्म पार्ट वन से था सो so, देखो पेज नंबर नाइन्टी टू पे ये स्पीड पोस्ट ओके जो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो लिखते जाना है ब्लू लाइन ठीक है द सर्विस ऑफ स्पोर्ट पोस्ट चेंज इज इट्स नेचर ऑफ इंडिया पोस्टल सर्विस दिखते जा रहा है ना कि पूरा ऐसे ही लिखते जाना है देखो अंडरलाइन करते जाओ आप लोग भी टेक्स्ट बुक में ओके ठीक है और ज्यादा पूरी कहानी मत तो लिख देना क्योंकि कोई फायदा नहीं है जितने मार्क्स का उतना ही मार्क्स मिलने वाला तो उतने ही पॉइंट्स लिखो ठीक है दो मार्क्स के लिए तो चार पॉइंट्स चार मार्क्स के लिए तो आठ पॉइंट्स ऐसा थोड़ा सा पूरा मेंटेन करके लिखो ताकि आगे का ऐसा ना हो कि पेपर छूट जाए जितना आता है उतना लिखो और उतना ही पढ़ के जाओ अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कम लिख देना ठीक है आप लोग मेंटेन करना ओके सो दिख गया ना आई थिंक समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर का टू पेज नंबर वन हंड्रेड एंड एट आ जा जल्दी या yeah, सो so, आ गया फाइनली क्वेश्चन नंबर फोर टू एयर पोल्यूशन ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बचपन से ही आते जा रहा है एग्जाम में तो ये आप लोग लिख सकते हो अपने से भी खुद से भी लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लो अब तो एकदम छोटे जैसे बच्चों जैसे तो लिख नहीं सकते थोड़ा हाई नॉलेज देना पड़ेगा उसमें ठीक है तो ये पढ़ लो एक बार आंसर और आप वो भी लिख सकते हो आपको जो आपकी थाट है वो भी लिख सकते हो ओके सो पेज नंबर कितने पे आएगा हमें ये आंसर मिलेगा हंड्रेड सो वी आर ऑन पेज नंबर हंड्रेड ये देखो इन्वायरमेंट ये दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर फोर टू मैंने लिख कर भी रखा ये पूरा ही मोस्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया ये पूरा लिखते जाना है ठीक है ब्लू लाइन्स और यहाँ देखो पहले तो आप लोगों को ये यूज ऑफ यहाँ तक यूज़ ऑफ तक लिख देना है ओके okay? ये पूरा यूज़ ऑफ तक लिख देना है उसके बाद ये यहाँ पर इतना ही लिखना है नेक्स्ट पैरा में जितना मैंने अंडरलाइन किया है ठीक है इतने ही पॉइंट हमें काम के जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कर दिया है ठीक है दिख रहा है ना ये वाला यहाँ पे जो मैंने ब्लू लाइंस किया है सी एन जी कंप्रेस नेशनल गैस एस फ्यूल और फिर डायरेक्टली नीचे आ जाना इट वाज़ डिसाइडेड दैट व्हीकल्स विदाउट पीयूसी सर्टिफिकेट विल नॉट क्वालीफाई फॉर इंश्योरेंस एंड रनेवल ऑफ इंश्योरेंस ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर का लास्ट क्वेश्चन नंबर फोर थ्री एरेडिकेशन ऑफ पोलियो इसका आंसर कहाँ मिलेगा यस पेज नंबर नाइन्टी नाइन पे मिलेगा हाँ तो ये मिल गया पेज नंबर नाइनटी नाइन ट्वेल्व पॉइंट वन पॉइंट वन हेल्थ ये दिख रहा है ना पोलियो इरीडिकेशन ये पूरा लिखते जाना है जितना इस पे पोलियो इरीडिके गॉड पोलियो इरिडिकेशन 99 का जितना दिया है ना पेज पे वो पूरा लिखना है एंड देन उसके बाद पेज नंबर 100 पे आके ये पूरा पैराई कंटिन्यू कर देना है ठीक है मीडिया तक समझ आया ना पोलियो एरिडिकेशन का पूरा पैरा ही लिख देना है क्योंकि वो ऑलरेडी उतना ही दिया हुआ है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है कि इतना नहीं पढ़ सकते ऐसा है। जितना दिया है उतना पढ़ लेना है आप लोगों को नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल फर्स्ट एक्सप्लेन द स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका आंसर हमें कहा मिलेगा यस वन हंड्रेड एंड फाइव पे तो चलो हम लोग वन हंड्रेड एंड फाइव पे आ गए ये देखो दिख रहा है मैंने क्वेश्चन नंबर फाइव टू भी लिख कर रखा है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी द पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन दिख रहा है ना ये पूरे लिखते जाना है हमें ये तो जो ऊपर का अमंग पीपल दिया ये पूरा कंटिन्यू कर देना है लेकिन एक बार ध्यान रखो पॉइंट वाइज लिखो ओके सो अमंग पीपल ये पूरा लिख देना है यहाँ तक द पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ये पूरा अमंग पीपल यहाँ तक अमंग पीपल एंड देन उसके बाद ये जितना मैंने हाईलाइट करके रखा है ब्लू लाइन वो आ, ये भी नेक्स्ट पैरा भी ऑलमोस्ट पूरा है बस एक लाइन इसकी थोड़ी सी कट कर दी गई है ओके सो इन 2011 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस स्कीम नेम एज कम एंड प्ले ये लिखना है उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस ए आई वेड अवेलेबल टू लोकल यूथ ठीक है ये पूरा ऑल्सो इनकरेज और ये खेलो इंडिया लास्ट पॉइंट इसका लिख देना है खेलो इंडिया न्यू ऑब्जेक्टिव तक पूरा लिख देना है ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव सेकंड विच प्रोग्राम्स एंड फैसिलिटीज आर क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड टूरिज्म ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट टूरिस्ट अक्टरिज्म आंसर कहाँ मिलेगा पेज नंबर 106 एंड पेज नंबर 107 बट हम लोग पहले पेज नंबर 106 पे देख लेंगे सो so, देखो दिख रहा है ना हाईलाइटेड जितना भी है ब्लू मार्क ब्लू अंडरलाइन ये आप लोगों को पॉइंट वाइज फॉलो करते करते पूरा लिखते जाना है पहले फर्स्ट पैरा में इतना टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूसली डेवलपिंग फील्ड दिस इंडस्ट्री इंडस्ट्री ऑन द कंट्री फॉर फॉरन एक्सचेंज ओन ए लार्ज स्केल ओके फिर ये यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट करना है गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट वेरियस फैसिलिटीज़ फॉर दी कन्वीनियंस ऑफ टूरिस्ट ठीक है विजिटिंग इंडिया ये पूरा लिखते जाना है कहाँ तक स्पेनिश तक ठीक है पूरा स्पेनिश तक लिखे ये स्पेनिश तक लिखे यहाँ तक देन इसके बाद द इंफॉर्मेशन कवर्स वेरियस टॉपिक्स लाइक एडवेंचर्स ठीक है और ये नीचे के थोड़े से पॉइंट लिख देने हैं दिख रहा है ना अंडरलाइन करते जाओ आप लोग भी फिर ही लिखो अपने बाद में अपने नोटबुक में आराम से लिखो नाउ पेज नंबर वन हंड्रेड एंड सेवन पे आ जाना है ये पॉइंट जो हमारा अधूरा रह गया था पेज नंबर वन हंड्रेड एंड सिक्स पर यह कैरेड आउट एक्सटेंसिवली ये कंटिन्यू पूरा कर देना वो पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद द इंफॉर्मेशन ऑफ सेवरल यूनिकली फीचर टूरिस्ट प्लेस इन इंडिया इज बीइंग पब्लिश थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया चैनल्स लाइक बी डिस्कवरी हिस्ट्री एंड रनिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूसिंग इंडिया हिस्टोरिकल एंड कल्चर हेरिटेज टू वर्ल्ड और ये स्वदेश दर्शन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये पूरा पॉइंट कंटिन्यू कर देना है ठीक है ओके सबसे पहले ये इतना ट्वेल्व पॉइंट थ्री में जितना मैंने हाईलाइट किया है वो और ये देखो ये बस यहाँ पे स्टॉप कर देना अब हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव भी कंप्लीट अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टेट योर ओपिनियन ओके सो फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री प्रैक्टिस सेशंस आर बेनिफिशियल फॉर बोथ पार्टिसिपेंट कंट्रीज तो इसका आंसर तो हमें मिलने वाले नहीं है बुक में क्योंकि ये स्टेट योर ओपिनियन है ठीक है तो ये मैंने लिख कर रखा है ये आप लोग देख लो ये देखो दिख रहा है ना पॉइंट वन सच सेशन आर extremely helpful ठीक है point two it also helps point three the process of ऑफ point four India has conducted around hundred military exercises fifth a military exercises or war game is इज employment of military resource ठीक है दिख रहा है ना ऐसे देख लो एक बार ये मैंने बहुत मेहनत से लिखा है ठीक है तो आप लोग भी इसको अच्छे से लिखो ठीक है ताकि वो मेहनत सफल हो जाए ओके okay. तो आप लोग स्क्रीन ले लेना और अपने बुक में बाद में लिख लेना नाउ और लास्ट सेकेंड ऑल ऑफ अस हैव द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आर हेरिटेज प्लेसेस ये बहुत आसान क्वेश्चन है इसके तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत भी होगी आप मैं तो पहले सजेस्ट करूँगी कि आप अपने मन से ही लिखो ठीक है जो भी आता है एंड जो भी आपका ओपिनियन है ना उस पर मार्क्स मिलेगा आपको स्टेट और ओपिनियन कब भी छोड़ना नहीं है ठीक है आप कुछ भी लिख सकते हो बाद में सर को बोल सकते हो मेरा ओपिनियन है ये अब ऐसा भी नहीं कि एकदम कॉन्टेक्स्ट के बाहर ही चले जाके कुछ भी लिख देना है नहीं उससे रिलेटेड ही लिखना है लेकिन लिखना है क्योंकि ये आपका ओपिनियन है अब आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है ठीक है उस पर आपके ओपिनियन पे एक मार्क्स तो मिल ही जाएगा छोड़ने से बेटर है वन मार्क्स एग्जाम में तो कितना लगता है वन मार्क्स है ना सो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकेंड आंसर आप लोग देख लो मैं आपको दिखा देती हूँ ये रहा सेकेंड आंसर ठीक है आप लोग स्क्रीन शॉट लेके लिख सकते हो हेरिटेज कैसे है? जैसे हमारा ताजमहल रेड फोर्ट और हेरिटेज होता क्या है देखो द ट्रेडिशनल क्वालिटी एंड कल्चर ऑफ़ आर कंट्री दैट हैव एक्सिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर आस ठीक है जो चीज़ हमारे पास बहुत अरसे मौजूद है और वो हमारे लिए बहुत महत्व महत्वपूर्ण है ठीक है तो उसको हमें सेव करना है बचा के रखना है जैसे हमारा देखो ताजमहल रेड फोर्ट हो गया नेशनल पार्क हो गया कुतुब मीनार जा, जा, क्या नाम है उसका राजस्थान में हमारी पिंक सिटी है ठीक है और हमारे महाराष्ट्र में तो एलिफेंटा कि वह ठीक है, है ये सब हमारा हेरिटेज है ओके सो so, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है सो so, होपफुली आप लोगों को, को ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप लोगों को, को ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ 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 डू प्लीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मच